हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया सैजल फैमिली ब्लॉग में गाइस। तो आज जैसे कि मैं आज आया हूँ चर्च गेट, और चर्च गेट में आया हूँ यहाँ मैं LIC ऑफिस के पास। पीछे आप देख सकते हैं ये है LIC ऑफिस, और यहाँ पे मेरा साइट चालू था तो साइट अभी ख़त्म हो गया। यहाँ से आया हूँ सामान उठाने के लिए। तो सामान जिस तरह से उठाना है उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, उसकी चाबी है किसी दूसरे के पास में। तो वो बोला अभी मुझे 10-15 मिनट लगेगा आने के लिए, जब तक आप रुको। तो मेरे साथ रोशन है, रोशन ने बोला जब तक क्या करेंगे, तो चलो हम लोग चल के कहाँ पे किधर है चौपाटी पे, तो जब तक के चौपाटी पे जाके टहल के आते हैं। तो बोला चलो ठीक है, चलो यहाँ पहली बार आया हूँ तो मैंने यहाँ का चौपाटी भी देख लेते हैं। चर्च गेट आया हूँ लेकिन यहाँ इतना अंदर नहीं आया मैं कभी भी। तो मेरे साथ बिल्कुल रोशन आगे आगे चल रहा है। रोशन ढेप हवा चल रही है ना मस्त में एकदम। तो हम लोग जा रहे हैं चौपाटी की तरफ, देख सकते हैं वो वहाँ पे है, बाजू में है। तो मतलब चलो जब तक घूम के आ जाते हैं 10-15 मिनट में। तो गाइस फाइनली हम लोग चौपाटी के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं। बस रोड क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस करके उस पार हमें जाना है। और देख सकते हैं पूरी पब्लिक खड़ी हुई है, सिग्नल बंद है, फटाफट निकल चलो। और मस्त, क्या ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे गाइस, क्या बताऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। हाँ मस्त है यार। इधर से तो मैं गया हूँ, आगे गया हूँ, इस साइड गया हूँ मैं आगे, इस साइड देख जोमेटो वाला उड़ा देगा वो देख ही नहीं रहा तेरी तरफ, वो उधर ही देख रहा है। चल 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 चल। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे एक आध रील बना लेंगे अगर रोशन शूट करेगा सही से। तो इसको शूट करने नहीं आता है ना, प्रॉब्लम ये है। ओहो पानी उड़ रहा है यार, रोशन पानी उड़ रहा है। टाउन बेबी, ओ माँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, देख सकते हैं क्या ही प्यारा नजारा लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है। देख सकते हैं आप समुद्र, देखते हैं जोरदार लहरें, तूफान उठे क्या। हाँ केकड़ा, हाँ क्या पकड़ गया, पकड़ा बड़ा है। गाइस देख सकते हैं केकड़ा इधर, ओ यार ये बहुत सारे केकड़े है रे। हाँ बहुत केकड़े, बहुत मस्त हवा चल रहा है, देख सकते हैं कितना प्यारा एक नज़ारा है यहाँ का। आपको मैं देख सकते हैं, देख वो भीग जाऊँगा यार, इतना देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, मज़ा आ गया। क्या बोल रहे हैं फिर, मजा आया कि नहीं आया। ये उधर भी बहुत अच्छा था मालूम है क्या, मरीन लाइन्स के पास, लेकिन उधर मेट्रो का काम चालू कर दिया ना, हाँ वो पूरा पूरा खराब हो गया उधर। अरे माँ का इतना जोर से आया वहां पे, ओ माय गॉड हवा तो देखिए देखिए देख, बहुत जोर से आएगा, देखिए देखिए देख ये आएगा, ओ वाह भीग गया मैं तो पूरा, मैं भीग गया पूरा रोशन, मैं भीग गया पूरा, बहुत जोर से हवा आई थी, बाप रे बाप। अभी वापस से आएगा, लहर आ रहा है ना, उड़ता है ना, पूरा भीग गया मैं। जा रहा हूँ मैं मेरे काम पे, अभी तक आया नहीं हूँ बाद में, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ क्योंकि अभी लेट हो जाएगा और बारिश भी होने लगी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए अभी हम लोग चल रहे हैं। बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत। तो हे गाइस मैं काम पर से जाके आ गया हूँ घर पे, और घर पे आके चाय पानी भी पी लिया,
और खाना भी खा लिया, खाना भी खाया। आज खाना नहीं बनाना था, क्या बना था, अंडा मसाला और चावल तो खा लिया गाइस। और आज आपने तो देखा ही होगा आगे बहुत मज़ा आया। हम लोग मरीन लाइन्स के आगे गए थे, चर्च गेट गए थे, बहुत मज़ा आया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे घूम के। मेरा तो मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से मैं आ जाऊँ, लेकिन बट आ गया, कभी काम पे था इसलिए मैं आ गया। बारिश में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने के लिए, तो आपको भी टाइम मिले तो कभी भी जाओ, मस्त है वहाँ पे बारिश का और समुंदर का इंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए। तो घर पर आ गया, देख सकते हैं हल्लो यहाँ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? चलिए हमारा खाना पीना हो गया, बैठे तो यहाँ पे मुझसे बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब? इन लोग आए अभी ब्लॉग में आए लोग, क्योंकि सुबह से ब्लॉग में नहीं थे, क्योंकि मैं ही था। ये लोग को अभी जस्ट घर पे आया शाम को, तो ये लोग ब्लॉग में ले आए इन लोग को। और यहाँ पे आप इसको देख सकते, इसको तो आप लोग जानते हो। हे गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे बता, सब अच्छे? तेरे मुंह पे कितना दाने निकल रहे रे, है ना? गोबर लगा ले तू, कुछ सुझाव बताओ। हाँ, गोबर ना, गोबर 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 ना। इसको कैल्शियम की कमी से होता, पानी नहीं पीती है, पानी नहीं पिएगी तो फिर ये पानी ले ले। घर में एक बोतल इसकी पानी खाली नहीं होती है, पानी नहीं पीते ना, इफेक्ट रहता है फेस पे, फिर दाने। पानी पिया कर, पानी समझा, कितना दाना निकल गया तेरे मुँह पे, बाप रे बाप। पानी बहुत कम पीती है, पूरे दाने दाने फैल गए इसके मुंह पे, बदन में पानी रहते ना, उससे प्यास नहीं लगती तेरे को? भाई मैं तो पानी के बिना जी नहीं सकती। में तो हम लोग कितनी बोतल पानी पी लेते हैं, मैं जी नहीं सकती। पानी जरूर है, तीन साढ़े तीन चार को मेरा भी फेस पे कैसा हो रहा है, 4 लीटर पानी पीने का रोज, बारीक बारीक दाने आ रहे, एकदम ऑयली ऑयली फेस हो गया मेरा, 4 लीटर के ऊपर पानी पीने का, उससे वेट लॉस भी होता है ना। हाँ सही बोल, पानी पीने से फैट भी कम होता है, सब होता है। पानी पीने से क्या तेरे को, पानी तो पी सकती है ना अम्मी, है कि नहीं? पानी पीने में पानी क्या? पीने का कभी भी पानी पीने में पानी ना पीने में पेट कैसा होगा, पेट जाएगा और वेट भी कम होगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग का खाना वगैरह तो सब हो चुका है, अरे गिरूंगा नहीं। तो काफी टाइम हो चुका है और ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, मुझे छोटा सा बात करना है इसलिए। तो ये वीडियो गाइस आज यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी जरूर दबा देना। और वैसे भी मेरा वीडियो आता नहीं है, पर डे नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि कुछ शूट नहीं कर पाते हैं हम लोग और कुछ कंटेंट नहीं है ऐसा घर पे, तो बारिश हो रही है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, इसके लिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। फिर भी जैसे भी थोड़ा बहुत जो हो रहा है गाइस हम लोग शूट करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बाहर कहीं जाने होता नहीं है, तो इसलिए बस एडजस्ट कीजिए गाइस। चलिए तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस एक नए वीडियो के साथ।